वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं आप या कमोडिटी करेंसी में करते हैं, सबकी बारीकियां आपको सीखना और जानना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे अपर सर्किट फिल्टर या लोअर सर्किट फिल्टर क्या होता है, या फिर कभी कभी आपने इसको देखा होगा ओनली बायर या ओनली सेलर के नाम से। सर्किट फिल्टर एक मैकेनिज्म है जो प्राइस को कंट्रोल करता है। एक्सचेंज ने एक इस तरह का व्यवस्था कर रखी है, इस तरह का अरेंजमेंट कर रखा है कि किसी भी स्टॉक की प्राइस किसी वजह से, किसी र्यूमर की वजह से, किसी मैनिपुलेशन की वजह से एकदम से बगैर कंट्रोल के भागती चली नहीं जाए या गिरती चली ना जाए, इसलिए इस तरह के मैकेनिज्म बनाए गए हैं। अभी आपने जैसे स्कैम 92 में हर्षद मेहता के टाइम जो किस्सा देखा होगा कि पहले जब लोग कम इन्फॉर्म्ड थे तो उनको अफवाहें बहुत जल्दी प्रभावित करती थी, और वो कहीं ऐसा मीडिया में सोर्स नहीं था, न तो स्मार्टफोन होते थे, न लोगों के पास टीवी न्यूज चैनल अवेलेबल थे, उनको फोन के थ्रू वो भी दलालों के बीच अंदर की खबरें होती थी। तो अगर बाहर कोई खबर फैल जाएगी तो बहुत तेजी से किसी स्टॉक की प्राइस एकदम ऊपर चलने लगेगी, फिर वो रुकेगी नहीं। जब तक रुकेगी तब तक कई लोग गलत फायदा उठा चुके होंगे या कई लोगों को बहुत बड़े नुकसान हो चुके होंगे। ऐसी कोई बुरी खबर आ जाए किसी स्टॉक में, कोई खबर फैलाते, आपने कभी ऐसे देखा होगा ना कि एक कॉलोनी में किसी पर्टिकुलर मकान के बारे में ये बात फैला दी गई कि यहाँ पे तो कुछ सुपर नेचुरल है, ये भूतिया बंगला है, तो धीरे 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 उस प्रॉपर्टी की डिमांड कम होने लगती है और धीरे धीरे उसकी कीमत घटती चली जाती है। अब कुछ लोग इस तरह की अफवाह फैला के किसी असेट की कीमत कम करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सचेंज ने क्या किया कि बाजार में जब तक ग्रीड और फियर है, ये सब प्रैक्टिसेस नहीं हो, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि व्यापार है तो उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने एक अरेंजमेंट ऐसा कर दिया कि अगर 100 रुपए का शेयर है, कल की क्लोजिंग प्राइस 100 रुपीज है, तो उसकी 20% की सर्किट लिमिट है, या तो 20% की, तो 120 पे जाके अपर सर्किट हो जाएगा। अपर सर्किट पे वो बाइंग बैन कर देते हैं, मतलब आप बाय नहीं कर सकते, आप एक लेवल 120 के ऊपर नहीं जाएगी शेयर की प्राइस आज के दिन में, तो उसको अपर सर्किट कहा जाता है। तो 120 पे अपर सर्किट फिल्टर लग गया। अब आप उसको बेच सकते हैं, जिसको बेचना हो बेच सकता है, लेकिन खरीद नहीं सकता। तो वहां पे ओनली बायर वाली बात क्यों करते हैं, क्योंकि बायर खड़े हैं इकट्ठे, आपको कैसे पहचानना है कि सर्किट मजबूत है। आपने देखा पहले बायर 2 लेख है, सेलर गायब है, 0 लिखा हुआ है, फिर 2.3 लेख हो गए, 2.5 लेख हो गए, 2.8 लेख हो गया, इसका मतलब सर्किट मजबूत है। तो अपर सर्किट बहुत पॉजिटिव चीज़ है, मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ कि अपर सर्किट फिल्टर वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से आप कितना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, उसका एक आइडिया दे रहा हूँ। हम ये डिटेल में एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसको वीडियो कोर्सेज के साथ में क्लब करके देंगे जो भी सिंसियर ट्रेडर होंगे उनको। तो अपर सर्किट पे कैसी बात होगी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई बहुत अच्छी मूवी होती है तो हाउसफुल हो जाती है। हाउसफुल में क्या हो गया, अंदर सारी सीट्स फुल है, बाहर से हर आदमी जाना चाहता है पर जा नहीं सकता, लेकिन अंदर से कोई बाहर आना चाहे कोई इमरजेंसी में तो वो आ सकता है। तो अपर सर्किट में आप खरीद नहीं सकते लेकिन बेच सकते हैं। तो किसी को अगर बेचना पड़े मजबूरी में तो जितने लोग यहाँ लाइन में खड़े हैं बाइंग के ऑर्डर लगा के उनको मिल सकता है। जैसे मैंने EKC में एवरेस्ट काउंटो सिलेंडर, एक दिन वो 39.2 पे अपर सर्किट था, मैंने वहाँ पे 2000 शेयर की बाइंग लगा के रख दी। चांसेस बहुत कम होते हैं, शायद आए शायद ना आए, क्योंकि कोई बेचेगा तो आपके पास आएगा। वो ऐसे 3-4 शेयर में बाइंग लगा के रखी थी, एक आ गया, एवरेस्ट काउंटो सिलेंडर 39.2 में आ गया। आज वो 55 के लेवल तक अपर सर्किट है लगातार, तो मतलब उस दिन मेरी बाइंग हो गई और उसका फायदा मुझे आज तक मिल रहा है, और देखो फायदा कितना बड़ा है। तो दोस्तों यही स्ट्रेटेजी हम आपको समझाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो नए लोग हैं उनको ये पता लग जाए कि सर्किट का फंडा क्या है ना। तो प्राइस कंट्रोल, अगर अपर सर्किट हुआ इसका मतलब मैक्सिमम डिमांड है, ओनली बायर्स है, सेलर्स गायब है, तो कल के दिन वो गैप अप खुलेगा। तो जब भी कोई स्टॉक अपर सर्किट पर आप उठा के ले जाते हैं तो अगले दिन सुबह उठते ही आप उसको बेचते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि अपर सर्किट पर बंद हुआ है तो अगले दिन सुबह सुबह खुलते ही बेचने की तैयारी करो, क्योंकि कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं आज अपर सर्किट है तो कल फिर लोअर सर्किट हो सकते हैं, या कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो लगातार 10 दिन तक 20 दिन तक बैक टू बैक अपर सर्किट लग रहे हैं, मतलब सुबह से उठते ही अपर सर्किट, जैसा अभी V2 रिटेल ने किया। लोअर सर्किट क्या चीज है, अगर कोई बुरी खबर आ जाए या फिर पहले बहुत अपर सर्किट लगे थे तो उसके रिएक्शन में बाद में सेलिंग आ जाएगी तो लोअर सर्किट लगने लग जाएंगे। तो लोअर सर्किट मतलब
नेगेटिव बात है, उसमें सेलिंग ही सेलिंग आ गई और स्टॉक -20% या फिर -10% या फिर -5% की लिमिट में। ध्यान रखें सर्किट की अलग अलग लिमिट्स होती है, 20% की लिमिट, 10% की लिमिट या 5% की लिमिट। 20% को आप देखेंगे 19.99% या 9.98%, आपको 9.99 या 9.98% भी दिख सकता है, 4.98% या 4.99% भी दिख सकता है। तो इसका मतलब वही 5%, 10%, 20% मोटा मोटा है ना। एग्जैक्ट फिगर में जो लिखा दिखता है, कभी आपको ऐसा दिखे 19.99%, इसका मतलब अपर सर्किट है। अब आप पूछेंगे सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा सर्किट लिमिट क्या है, बीएससी इंडिया की साइट में आप जाइए या फिर अपने मार्केट वॉच में लगाएंगे, तो वहां पे जब मार्केट डेप्थ में जाके देखते हैं तो उसकी सर्किट लिमिट डेज रेंज लिखी होती है कि आज का जो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज क्या है, सर्किट लिमिट्स क्या है, तो बता के रखी होगी कि अपर सर्किट इस लेवल पे होगा, लोअर सर्किट इस लेवल पे होगा, तो वहां पे हम अपने ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये पहले समझा क्यों रहा हूं कि आधे अधूरे जानकारी से लोगों को इतने बड़े नुकसान हुए। जैसे अभी अभी ताजा ताजा केस अगर मैं बताऊं तो एक बालाक्सी फार्मा करके एक शेयर था, एक इधर रुचि सोया, तो सभी को पता है कि 4 रुपए का शेयर 1500 रुपए हो गया था। उसके बाद बैक टू बैक अपर सर्किट लोग खरीद नहीं पाए। हमने कई बार कोशिश की अपर सर्किट में खरीदने की, 500 रुपए के लेवल पे, 700 रुपए के लेवल पे, 800 रुपए के लेवल पे, छोटी सी क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि हम कोई 2000 या 1000 या 500 शेयर खरीद रहे थे, हम 10 शेयर 20 शेयर में कर रहे थे कि अगर ये कुछ गड़बड़ भी कर देगा तो संभाल लेंगे। नहीं आया, वो बाइंग नहीं हुई। अब क्या हुआ, किसी ने 1000 रुपए के लेवल पे एंट्री कर ली, बाद में वो 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 के लेवल पे अपर सर्किट था। नए नए लोग थे, उनको मालूम नहीं था कि चीजें कैसे काम करती है, तो उनको लगा कि अभी 1500 पे अपर सर्किट है, नीचे आने लगेगा, आराम से निकल जाएंगे बेच के। उनको मालूम नहीं था कि लोअर सर्किट नाम की एक चीज होती है। 1500 से एक दिन वो लोअर सर्किट हो गया 1400 पे, वो बेचने गए तो लोअर सर्किट पे सेलिंग बहने हैं, तभी तो प्राइस कंट्रोल होगी, तो बाहर नहीं निकल सकते। कोई खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, लेकिन क्यों खरीदे कोई ऐसा स्टॉक जो लोअर सर्किट पे होता है, उसको नहीं खरीदा जाता। हाँ, आप ध्यान से सुनिएगा बात को, क्योंकि आधे अधूरे नॉलेज की वजह से लोग सर्किट सुन लिया और उनको लगा अपर सर्किट या लोअर सर्किट पता नहीं क्या बोला था, सर्किट पे है तो खरीद लिया, मर जाएंगे। लोअर सर्किट पे जो स्टॉक है वो गैप डाउन खुलेगा, हो सकता है बैक टू बैक लोअर सर्किट लगाते। तो ये क्या किया रुचि सोया ने, 1400, 1300, 1200, 1100, 900, मतलब वो आदमी 1000 रुपए पे खरीदा था और 1400 खड़ा है, लेकिन बिका नहीं ना, सेलिंग लगा के बैठे, नहीं बिका। दूसरे दिन सेलिंग लगाई, नहीं बिका। तीसरे दिन सेलिंग लगाई, नहीं बिका। एक बार अगर आपका स्टॉप लॉस वहां पे नहीं हो तो फिर आप फंस गए। वो नीचे 500 रुपए तक आ गया, तब तक बहुत सारे लोग फंसे रह गए, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो दोस्तों ये जो कुछ बातें हम बता रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी होता है लोगों के साथ, इसलिए उनको लगता है कि शायद काम की बात नहीं है, है ना। अभी जैसे हम बोले कि आग से बचने का तरीका है, डूबने से बचने का तरीका है, हार्ट अटैक से बचने का तरीका। अब जिंदगी में ये एक आध बार हादसा होगा, लेकिन काम की बात है, जान जा सकती है। वही बात आपको समझनी है कि जो जो चीजें जाननी जरूरी है उस पर काम कीजिए। तो अब जब बाजार में ऐसी तेजी आ रही है कि निफ्टी 13,000, 14,000, 15,000 के लेवल की संभावना दिखाएगी, तो आखिरी आखिरी में यह हालत हो जाएगी कि हर दो दो दिन में शेयर्स 10-10, 20-20% अपर सर्किट पर रहेंगे। तब आपको क्या करना होगा, तब आपको ध्यान रखना होगा कि इसको हैंडल कैसे करना है। तो अगर एक बार अपर सर्किट वाली स्ट्रेटेजी आपने सीख ली तो ऐसा होगा कि सर्किट पे आपकी बाइंग हो जाएगी, अगले दिन गैप अप खुला, आपने बेचा और बाहर। अगर वो फिर से बैक टू बैक सर्किट लगा रहा है तो स्टॉप लॉस लगा के हैंडल करते गए। जैसे हमारे पास EKC है 39 रुपीज़ का, 57 रुपीज़ तक, 55 रुपीज़ तक आराम से रखा हुआ है। अब देखा जाए तो एक बार जो डिसीजन ले लिया, एक बार जो उम्मीद के भरोसे हमने कोशिश की थी और वो हो गया, जाने में तो कुछ नहीं था ना। और कभी आपके दिमाग में हो कि सर कभी वहां से सर्किट खुल के नीचे चला जाता, तो उसका अरेंजमेंट भी हम आपको स्ट्रेटेजी में सिखाएंगे। हम वो सारी कोशिश, वो सारी चीजें आपको समझाने वाले हैं जो जरूरी है, लेकिन ये तभी समझ सकते हैं जब सारे अनुभव की बात हो। हमने कई बरसों का अनुभव इसमें रहा है और कई सारे लोगों के अनुभव भी हमारे साथ शामिल है, इसलिए आपको इन सब बातों को ध्यान से सुनना है और गौर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे अभी
देखे ना कोरोना या कोविड-19 के वक्त जो लापरवाही चल रही है, लोगों को लग रहा है कि सब कर रहे हैं, हमारे पास और कोई लॉजिक नहीं है। हम कभी कभी सही काम इसलिए नहीं करते कि बाकी सब गलत कर रहे हैं, तो वही करो, वो ठीक लगता है। और आप सही काम करते हुए शर्माएंगे, हो सकता है कहीं कहीं ऐसे एरियाज हों जहाँ पे मास्क पहनने में शर्म आ रही हो आदमी को, और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं अब ऐसा कुछ नहीं, पहले डर था अब डर चला गया, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल्स में लंबी वेटिंग है। तो जो आदमी स्ट्रगल कर रहा है, जिस आदमी के पैसे लग रहे हैं, जिसकी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा है, उसको मालूम है कि यार एक जरा सी लापरवाही में मैंने अपनी उम्र को या अपने शरीर को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा लिया। तो दोस्तों मैं आपसे यही कह रहा हूं कि जब आप ट्रेडिंग करने निकले हैं ना, तो मुझे ये इसकी शायद ज़रूरत नहीं पड़े, मैंने तो कभी देखा नहीं, ऐसा तो साल में दो बार होता होगा, ऐसी फालतू बात करने के बजाय कभी भी अगर किसी चीज़ से आप बर्बाद हो सकते हो तो उसके बारे में जान लेना। जान लेने में जाएगा क्या, तो जो सर्किट लिमिट वाली हम स्ट्रेटेजी लेके आने वाले हैं वो बहुत कमाल की स्ट्रेटेजी रहेगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपर सर्किट लोअर सर्किट वाली स्ट्रेटेजी में ही काम करते हैं, तो वो स्ट्रेटेजी अगर आपने सीख ली मजा आ जाएगा। बने रहिए हमारे साथ कोरा पे, हमारे क्वेश्चंस को देखिए, अपवोट कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, फेसबुक पे नए सिरे से वीडियो अपलोड हो रहे हैं, सभी प्लेटफॉर्म पे आपको आना है। जितना आप हमको सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आपके लिए काम कर पाएंगे। दोस्तों आप हमको आदेश कीजिए कि आगे आपको किस चीज़ की बारीकी के बारे में और जानना है, हम वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़।